नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात झाबुआ की, जहां पर पेटलावत थाना क्षेत्र के मोरगांव में भगवा झंडों को जलाने का एक मामला सामने आया। श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते गांव में ये झंडे लगाए गए थे। असामाजिक तत्वों ने आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ग्रामीणों में इस घटना के बाद काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है। मामले को शांत किया जा रहा है। साथ ही साथ आखिर कौन इस पे संलिप्त है, किसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। असामाजिक तत्वों ने झंडे जला दिए और इस पर आक्रोश गांव वालों का साफ तौर से दिखाई दिया। इंदौर में असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। छोटी खजुरानी में भगवान श्री राम के पोस्टर फाड़कर विवाद भड़काने की कोशिश की गई। एमआईजी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान श्री राम के पोस्टर फाड़े गए हैं। पोस्टर फाड़कर विवाद भड़काने की कोशिश यहां पर की गई है। ये शोभा यात्रा के पोस्टर लगे हुए थे, इन्हें फाड़ा गया है और कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करने की कोशिश, विवाद करने की कोशिश यहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही है। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया है कि आखिर इसमें कौन शामिल है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस सक्रियता के साथ इनकी पड़ताल कर रही है। तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश साफ तौर पर, झाबुआ का भी हमने जिक्र किया, अभी तस्वीरें आपको दिखाई कि वहां पर भी किस तरह से झंडे जलाए गए और यहां पर भी पोस्टर जो हैं फाड़े गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिथिलेश गुप्ता हैं इंदौर से, तो वहीं वीरेंद्र राठौर हैं झाबुआ से, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले इंदौर में मिथिलेश से बात कर लेते हैं। मिथिलेश, जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट यहां पर असामाजिक तत्वों की देखने को मिल रही है और जो तस्वीर हम देख रहे हैं, माहौल खराब करने की पूरी कोशिश इनके द्वारा, अभी तक क्या कोई पकड़ में आया है, पुलिस क्या कह रही है, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर पुलिस कमिश्नर ने अब निर्देश जारी कर दिए हैं कि जहां जहां पे पोस्टर लगे हुए हैं उसके आसपास के जो भी चौकी हैं, कैमरे जो लगे हैं, वो उस पर निगरानी लगातार की जाए। जहां पर बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां पर प्रभात फेरी निकाली जाती है, वहां पर अब पुलिस की गश्त ज्यादा रहेगी, पुलिस का मूवमेंट ज्यादा रहेगा। मुखबिर को भी सक्रिय कर दिया गया है कि अगर कहीं पर कुछ इस तरीके से हालात बनते हैं तो जल्द से जल्द उसकी जानकारी मिल सके, क्योंकि 22 तारीख का दिन नजदीक है और जो लोग बौखलाए हुए हैं, जिनके अंदर बौखलाहट है, वो असामाजिक तत्व है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो शांति का माहौल है वो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी कुछ तस्वीर इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के छोटी खजरानी से सामने आई, जहां पर भगवान श्री राम के पोस्टर फाड़ दिए गए। फिलहाल पोस्टर फाड़ने पर केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इन आरोपियों की तलाश की जा रही है कि आखिर ये कौन आरोपी है जो सामाजिक सौहार्द को। आखिर इस मामले में जो भी अपडेट मिलता है आप देते रहिएगा, आपसे लेते रहेंगे अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।